देना जरूर पूर्वजों को, स्माइल दे दे। लोग कहते हैं ये 16 दिन अच्छे काम नहीं करना चाहिए, 16 दिन ये मत लो, 16 दिन वो मत लो। कौन सी पुराण में लिखा है? एक बार मुझे वो पुराण जरूर बताना कि 16 दिन ये सामान मत खरीदना, 16 दिन ये चीज मत लेना। क्योंकि शिव महापुराण में और शास्त्रों में वर्णन आता है कि 16 दिन श्राद्ध के हैं, ये पूर्वजों के हैं। आप पूर्वजों का नाम लेकर अपने पितरों का स्मरण कर तुम्हारी मर्जी पड़े वो खरीदो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो ला, पर सबसे पहले उन पूर्वजों को सम्मान पूर्वक वो वस्तु समर्पित कर दो कि आपकी है, आपको संभालना है, आपने दी है, आपके द्वारा आई है। पूर्वज खुश होंगे, तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर तो पितर खुद आशीर्वाद देते हैं। कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को बद्दुआ देगी? कौन पिता होगा जो अपने बच्चों को बद्दुआ देगा? अगर माता पिता अपने बेटे को गाली भी देते हैं, बद्दुआ भी देते हैं, तो बाद में रोते हैं, आंख में से आंसू निकलती है। एक माँ अपने बेटे को चिल्ला देती है तो बाद में रोती है। अगर माँ अपने बच्चों पर हाथ उठा देती है तो बाद में रोती है। तो क्या मरने के बाद पितर तुमको बद्दुआ देंगे? नहीं, पितर आशीर्वाद देते, बस इतना जरूर कहते हैं कि मैं छोड़ कर गया था रे, मैं तुझे देख कर गया था रे, मुझे भूल क्यों गया, तू थोड़ा देता क्यों नहीं है, मेरे को अन्न का भाग देता क्यों नहीं है। बस वो याद करते हैं, वो आपसे मांगने की, क्योंकि आप उसके पुत्र हो, आप उसकी संतान हो, आप उसके वंश के हो, आपसे ललकता है उसको। किसी दूसरे से नहीं। प्रेम दीजिए, भले कोई किस भाव से आए उसका आदर हो, उसका सम्मान। कई लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी हम चार भाइयों का परिवार है पर पितृ दोष मुझ पर ही क्यों आ रहा है? मैं ही क्यों तकलीफ भोग रहा हूं? मेरे को ही क्यों कष्ट आ रहा है? मेरे ही क्यों पांव दुख रहे हैं? मेरे घर में क्यों ऐसी परेशानी आती है? सबकी सब तो सुखी है। ध्यान रखना, पितरों का जिससे लगाव होता है और जिसको पितरों ने दिया होता है, पूर्वजों ने दिया होता है, भगवान ने दिया होता है, लालसा उसी से होती है। भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला भिखारी भी होता है, भिक्षुक भी होता है, तो गाड़ी देख लेता है कि फोर व्हीलर गाड़ी से आया है तो सेठ जी 10 रुपया देगा। कोई पैदल जाता है तो भिखारी भी सोचता है बेचारा क्या देगा, उसके पास तो खुद नहीं, पांव में चप्पल नहीं पहना है, फिर भी हाथ फैला देता है कि दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई गाड़ी वाला तो देगा ना मुझको। उसी तरह घर के पूर्वज, घर के जो आहूत होते हैं, घर के जो पितर होते हैं, घर के जो वासुक होते हैं, घर के जो पूर्वज होते हैं, आशा उसी से लगते हैं जो दे सकता है। जिसके पास है ही नहीं उससे क्या आशा रखें? जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे आशा रखना क्या? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, हम हमारे पूर्वजों को क्या? मत दो ना, इस्माइल को दे सकते हो। जिस दिन तुम्हारे पूर्वजों का श्रांत है, तुम्हारे पास में खिलाने के लिए अन्न नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए दान नहीं है, तुम ब्राह्मण को घर में नहीं बुला सकते, कोरोना महामारी चल रही है, तुम कुछ भी नहीं दे सकते, तुम्हारे पास देने के लिए वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, कुछ भी नहीं, मत दो। निवेदन है बस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर, एक निवेदन है कि चेहरे पर प्रसन्नता रखकर उस दिन अपने पूर्वजों को याद जरूर करना और कह देना कि आप ही का दिया हुआ है जो हम खा रहे हैं, हम पर करुणा करना, हमारे पास कुछ भी नहीं है, डब्बे में से गुड़ या शक्कर निकालकर अरे गैस को लाइटर से जलाकर उसकी अग्नि में छोड़ देना, पर दो दाने शक्कर के छोड़ना जरूर, जिससे वो जीवात्मा दरवाजे पर आकर भूखी ना जाए, उसके मुख में कुछ तो चला जाए और वो जीवात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे जाए। तुम्हारे पास कुछ ना हो तो इतना तो दे सकते हो साहब।
स्माइल तो दे सकते हो, प्रसन्नता तो दे सकते हो, मीठी वाणी तो दे सकते हो, अपने पूर्वजों को याद तो कर सकते हो, अपने इष्ट को याद तो कर सकते हो, जिसने दिया है उसका गुणगान तो गा सकते हो। एक नई नवेली दुल्हन को पति ने एक नई नथनी लाके दे दी। कबीरदास जी लिखते हैं, नथनी दी यार ने तो दिया बखान। यार ने केवल एक नथनी लाकर दी है, पति ने केवल एक नथनी लाकर दी है, सोने की बड़ी सुंदर सबको दिखा रही है, घूंघटे में उघाड़ उघाड़ कर दिखा रही है, मेरे पति ने दी है, झुमका बार बार दिखा रही है, मेरे पति ने दी है, मेरे पति ने दी है। एक नथनी मात्र 2000, 5000, 10000, 20000, 25000, 50000, 1,00,000, 2,00,000 की नथनी पति देता है तो सारे जगत को दिखा देते हो। वो परमात्मा देता है तो किसको क्यों नहीं बोलते कि उसने दिया है, उस पूर्वजों ने दिया है, वो छोड़ कर गए थे तो हम खा रहे हैं। अगर वो छोड़ कर नहीं जाते तो रोड पर मिल जाते। लोग कहते हैं हमारी माँ ने हमको क्या दिया, हमारे पिता ने हमको क्या दिया, सब उसको देकर चले गए। भले वो किसी को दे जाए पर आशीर्वाद लिए बगैर मत जाने देना। भले वो कितना भी पक्षपात करें, भले वो कितनी भी बेईमानी करें, भले वो कितना भी कपट करें, वो सारी जायदाद खाकर किसी को भी दे दें, पर उन माता पिता का सम्मान जरूर करना, क्योंकि वो मरते मरते आशीर्वाद जरूर दे जाएंगे कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, ले मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, और तुम्हें आशीर्वाद मिल गया तो तुम निहाल हो गए। वर चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, धन दौलत नहीं। श्राद्ध पक्ष की कथा कहती है, ये श्राद्ध पक्ष का जो वर्णन करुण पुराण में कहा गया कि जीवात्मा सबसे पहले जाती है तो घर पर जाती है, जैसे जठा और मठा की कथा। दो भाई हैं जठा और मठा, दोनों साथ में रहते थे, पर इनकी जो धर्म पत्नियां थी आपस में कुछ भेदभाव हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। जठा बहुत धनपति था, मठा थोड़ा सा गरीब था, दोनों अलग अलग रहे। जठा का बिजनेस अच्छा चलता है, जठा का धन बहुत सारा है, संपदा बहुत सारी है, क्योंकि माता पिता का सारा धन जठा ने अपने कब्जे में रख रखा था। सारे माता पिता की जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना वैभव था, जितनी सत्ता थी, जठा ने अपने कब्जे में रख ली थी। और मठा ऐसे ही बेचारा सहज भाव का, भोला भंडारी, सरलता का भाव वाला चल दिया, अपना बोरी बिस्तर उठाए, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ चले गए। सोलह दिन श्राद्ध किया गया। एक दिन जठा की पत्नी बोली, सुनो इतना सारा गाड़ी बंगला जमीन जायदाद ढेर सारी है, 200 एकड़ जमीन, 200 बीघा जमीन है, 4-4 ट्रैक्टर हैं, गाड़ी बंगला ढेर सारा है, खूब वैभव बना हुआ है, पर अपन अपने घर में सेठ बनकर रहते हैं, पर दुनिया को क्या मालूम कि अपने पास कितनी दौलत है, कितनी जायदाद है, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, किसको क्या मालूम कि अपने पास में कितनी सत्ता, अपन कितने राशि ठाट में रहते हैं। तो पति बोला क्या करना है, पत्नी बोली एक काम करो, तुम्हारे जो पिताजी मर गए थे उनका श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे जो पिता चले गए थे उनका श्राद्ध आ रहा है, एक काम करो अपन अपने पिताजी का श्राद्ध रख देते, और श्राद्ध रखेंगे तो मेरे मायके वालों को और आपके पूरे परिवार वालों को, जो आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, और मेरे मायके वाले, मेरी सहेलियां, मेरी बेस्ट फ्रेंड, सबको बुला ला, और उनको बड़े प्रेम से अपन भोजन करा देंगे। इतने में जठा बोला कि भोजन बना तो खिला तो देंगे, पर भोजन बनाएगा कौन, इतना सारा फैला रहा हो जाएगा, उठाएगा कौन। इतने में तुरंत जठा की पत्नी बोली, वो देवर और देवरानी क्या करेंगे, बाप तो उनका भी था, पिता तो उनका भी था, वो आए देवरानी और देवरानी आकर भोजन बनाए और देवर आकर बर्तन मांजे, चलो निमंत्रण सबको देने जा रहे हैं तो उनके घर भी चले जाए। आवाज लगाई, मठा, अरे ओ मठा। मठा ने दरवाजा खोला, छोटा सा झोपड़ा, गोबर से लिपा हुआ घर। मठा हाथ जोड़कर बोला, बड़ा भाई आया है, बैठो भैया, हम बैठने नहीं आए तेरे घर में, कल पिताजी का श्राद्ध है,
तेरे को बर्तन मांजने आना है, दुल्हन को भोजन बनाने आना है। श्राद्ध पक्ष में हमने ब्राह्मणी ढूंढी थी, बामनी भोजन बनाने वाली मिल नहीं रही है, सब लगी हुई है इधर उधर, देवरानी को ले आना। भाभी हम आ तो जाएंगे पर निवेदन इतना सा है कि पिताजी का श्राद्ध है तो मन कर रहा है कि हम थोड़ी सी धूप छोड़ दें, इसके बाद आ जाएंगे। इतने में तुरंत भाभी बोली, सुन ले मठा, आना हो तो सुबह जल्दी आना, क्योंकि रखे हुए बर्तन कौन मांजेगा, भोजन कौन बनाएगा, इतनी देरी से आना है तो केवल के खाने आ रहे हो, आने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों की जरूरत नहीं है मेरे को, मत आना तुम, छोड़ दिया। जेठा गया, अपने ससुराल वालों को बुला लिया, मायके वालों को बुला लिया, सबको बुलाया। पितृलोक से जिसकी तिथि होती है, पितरों के भगवान जिनका नाम है आर्यमा स्वामी, कौवे पर बैठकर जिसकी तिथि होती है उस तिथि के जीव को कौवे पर बिठाकर आर्यमा स्वामी लेकर आते हैं, और जिसकी यहां श्राद्ध होती है उसकी छत पर कौवा छोड़ते छोड़ते जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध में कौवे का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पितरों के देवता आर्यमा स्वामी कौवे पर बैठते हैं और उसी कौवे पर हमारे घर के जीवों को लेकर आते हैं। और सबसे पहले वो जीव कहां जाता है श्राद्ध पक्ष में, बहुत ध्यान से सुनना, गरुड़ पुराण का ये चरित्र। सबसे पहले वो जीव कहां जाता है जो घर का सबसे पुराना घर होता है, जहां पर घर का बड़ा बेटा रहता हो, जहां पर घर का पुराना मकान हो, पुराना घर हो, वहां वो जीव जाता है। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, पहला पीपल, दूसरा बटवृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र का कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले लो, कोई पीपल का ले लो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना करकर अपने पूर्वजों के लिए इन तीन वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आप भोजन को रखकर आ जाइए, अपनी कामना करकर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। एक जट्ठा और मठा की कथा हमने पहले कही है, वो भी हमारे पेज पे डली हुई है, आप उस पे से निकाल कर सुनना। उसमें भी हमने व्याख्यान वर्णन करा जट्ठा मठा की कथा। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, तीन पक्षी पितरों के तुल्य हैं, कौवा, हंस और गरुड़। एक कौवा और एक स्वान कुत्ता, ये दो ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है, कौवे को और स्वान को भान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यमलोक में जहां यमराज निवास करते हैं, स्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं, और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है, पूर्व भान होता प्राप्त होता रहता है। एक कौवा एक स्वान, कोई घटना घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लगता है, कोई घटना घटने वाली होती है तो कौवा आकर बैठ जाता है, कोई आ रहा है तो कौवा आएगा, कोई भाव सूचक है तो कौवा आकर बैठेगा दरवाजे पर, कैसे उसका भी भान है, अटारी पर कब, हंस और गरुड़ ये पितरों के तुल्य जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको
पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं। जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं, पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में, तो इनको कौवे के अंश में, गरुण के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है महाराज। फिर अगला वर्णन किया, तीन पशु, कुत्ता, गाय और हाथी, ये पितरों के तुल्य होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते, तो गाय के मुख में गयासुर ने बर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा, तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा, और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा, उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का वर गौ माता के लिए था। तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त होगा। कुत्ता, गाय और हाथी। स्वान को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि स्वान पितरों को अपना भाग प्रदान कर देता, स्वान रखता नहीं है, चुका देता। फिर तीन जलचर है महाराज, जो पितरों के तुल्य हैं, मछली, कछुआ और नाग। पिंड जो बनाया जाता है वो पानी में दिया जाता है। मछली जिसको पाती है वो पितरों को प्राप्त होता है। कछुआ श्रावण के इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत, कछुआ यदि आपके दिए हुए भाग को पा लेता है, तो वो जीव उसी समय पर तर जाता है। और महाराज नाग, वो भी पितरों के तुल्य माना। इन तीन पितरों के क्रम का वर्णन किया गया है। भगवान शिव ओगड़दानी बटका वृक्ष के रूप में ब्रह्मा को बना देते हैं, और शंकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसा सुंदर प्रसंग शिव महा